दिल्ली के जाफराबाद में भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रही हैं। आप देख सकते होंगे किस तरह से मेट्रो स्टेशन के पास, मेट्रो स्टेशन के नीचे भारी संख्या में जो महिलाएं हैं नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ यहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। शनिवार देर रात से ही जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बैठ गई हैं, नो NPR नो NRC के जो पोस्टर बैनर है उनको लेके। एक महिला हमारे साथ उनसे बात करते हैं। शाहीन बाग के बाद अब जाफराबाद, शाहीन बाग इतने 2-3 महीने हो गए प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार, लेकिन सरकार पीछे हटने के तैयार नहीं है। यहाँ से उम्मीद है आपको कुछ? सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, मगर मुझे इस सरकार में मतभेद नजर आने लगा है शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से और हम लोगों के प्रोटेस्ट से, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बनारस से बोलते हैं CA से और धारा 370 से 1 इंच भी हटा नहीं जाएगा, और अमित शाह बोलते हैं आइए हमसे बात करिए, तो मुझे उनके बीच में ही मतभेद नजर आने लगा है, क्योंकि गृह मिनिस्टर कुछ बोलता है प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलते हैं, तो फर्क तो पड़ रहा है, कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ रहा है। लेकिन बार बार कहा जा रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून जो सरकार लेकर आई है उससे आप लोगों को कोई डरने की बात नहीं है, तो फिर विरोध क्यों? क्यों नहीं है डरने की बात? अगर उन्हें तो नहीं है कि इस कानून से नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, तो नागरिकता तो हिंदुस्तान में पहले भी दी जाती थी, हमने तो मना नहीं करा था। जितने भी शरणार्थी आप उन्हें नागरिकता ना दीजिए, आप उन्हें नागरिकता देते हमें कोई एतराज नहीं था। हमें एतराज है उन्होंने CA से मुसलमान को बाहर रखा, हमें इस बात से एतराज है क्योंकि हमारे संविधान में लिंग, कलर, जाति और धर्म के आधार पर कानून नहीं बनते, और उन्होंने मुसलमान को इस कानून से बाहर कर दिया, और हमारे पिछले साल 2000 लोगों को नागरिकता दी गई है, तो इस कानून के लाने की जरूरत ही क्या थी? NRC और NPR का भी विरोध आप लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने सदन के अंदर पार्लियामेंट चल रहा था उसके अंदर कहा है कि NRC कुछ राज्यों के लिए है, पूरे देश के लिए नहीं है, और NPR हर 10 साल में होता ही है। मैं NRC के मैटर में ये बोलना चाहूँगी, हम कुछ राज्यों में NRC नहीं चाहते। जो आसाम में हम हाल देख रहे हैं, अब तक वहाँ 46 मौतें हो चुकी हैं NRC में, डिटेंशन सेंटरों में, तो हम और देशों में भी NRC नहीं चाहते, क्योंकि 19 लाख लोग थे, 19 लाख लोगों में साथ ही घुस